इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ साल पहले तक एक बच्चे के खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थे और खिलौने के रूप में स्कूटर की वह छवि बनी हुई थी। लेकिन अब भारत में कई कंपनियों उस धारणा को बदलने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज बहुत से लोग मोटरसाइकिल की सवारी करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर द्वारा प्रदान किए जाने वाले किफायती मूल्य को पसंद करने लगे हैं, विशेष रूप से अब जब पेट्रोल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर है। हालांकि कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाने में सहज नहीं होते हैं और उन लोग ले के इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बढ़िया विकल्प है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत पेट्रोल स्कूटर से बहुत कम है और साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में काफी आसान है। शहर में घूमने के लिए यह एक बढ़िया विकल्प है। मैं कई माता पिता को जानता हूं जो अपने किशोर बच्चों को वास्तविक मोटरसाइकिल के बजाय स्कूटर खरीदने से समझौता करते हैं। स्कूटर की कीमत भी मोटरसाइकिल से कम होती है। आज इलेक्ट्रिक स्कूटर कीमतें बहुत ही उचित हैं। आज आप 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए खर्च करके अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं। महिलाओं को कम वजन के कारण मोटरसाइकिल के बजाय स्कूटर चलाना पसंद होता है और विभिन्न निर्माताओं से कई डिजाइन और रंग उपलब्ध हैं। आपको ऐसे स्कूटर भी मिलेंगे जिनमें यदि आपको अपने साथ कुछ भी ले जाने की आवश्यकता है तो आपके पास स्टोरेज स्थान भी होगा। अधिकांश इलेक्ट्रिक स्कूटरों को बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जिससे आपकी ट्रेवल कॉस्ट में और बचत होती है। ज्यादातर मामलों में आप अपने दम पर बुनियादी रखरखाव और यहां तक कि मरम्मत करने में सक्षम होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना फ्यूल एफिशिएंट होता है। ये आपकी बैटरी रेंज, बैटरी टाइप पर निर्भर करता है। बैटरी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे कीमती पार्ट होता है जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत तय करता है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों की लोकप्रियता उन क्षेत्रों में बढ़ती रही है जहां पेट्रोल की कीमतें अधिक है और उपभोक्ता की रनिंग पर डे 50 से 80 किलोमीटर है। जिन लोगों को एक किफायती साधन की तलाश थी उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर परफेक्ट है। आइए एक नजर डालते हैं कि स्कूटर आज कहां है, उनकी डिजाइन से लेकर कैसे काम करते हैं तक, उनका इस्तेमाल करने से ई स्कूटर की सेफ्टी तक। ई स्कूटर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिरी तक जरूर देखें। अगर आप ऑटोजिनियर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऑटोजिनियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ऑटोमोबाइल्स में रुचि रखते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर का राइज। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है, शायद आज के इस स्कूटर के डिजाइन और मार्केटिंग में केंद्रीय विकास का लक्ष्य युवा है। उनके पास प्राथमिकताओं का एक अलग सेट होता है, जैसे कॉलेज या कोचिंग जाने वाले युवा, प्रोफेशनल युवा जो शहरी में रहते हैं और जॉब करते हैं, शहर में रहने वाले वो लोग जो आने जाने के वैकल्पिक किफायती साधनों की तलाश कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक कस्टमर ग्रुप एक बाजार की पेशकश करता है जो पुराने के मानदंडों और परंपराओं को छोड़ देता है। कम गति, जीरो एमिशन स्कूटर पर शहर के चारों ओर जिप करना निश्चित रूप से विकल्प की मांग करने वालों को पूरा करता है। हालांकि एक निश्चित उम्र में हर कोई शायद सवारी करने में थोड़ा नासमझ लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर सरल और आसानी से सुलभ उपकरणों के रूप में सामने आते हैं जिन्हें संचालित करना और भी आसान है, तो सभी उम्र के लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चला सकते हैं, जिसके वजह से आज मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री साल दर साल बढ़ती जा रही है। और साथ ही सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम दे रही है और गाइडलाइंस बना रही है, जिससे आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल तेजी के साथ बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे काम करते हैं? ई स्कूटर नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें लगने वाले उपकरणों की बात करें तो यह उतना ही साधारण होते हैं, जबकि पेट्रोल स्कूटर्स काफी जटिल होते हैं। अपने सरलतम रूप में स्कूटर एक साधारण फ्रेम के ऊपर थ्रॉटल और हैंड ब्रेक के साथ ती सटेम हैंडल बार, दो पहियों और फ्रंट और रियर सस्पेंशन से बने होते हैं और बैठने के लिए सीट भी शामिल होती है। जब थ्रॉटल दबाया जाता है तो यह बैटरी को बिजली छोड़ने का संकेत भेजता है। बैटरी तारों के माध्यम से मोटर को बिजली भेजती है। मोटर तब पहियों की गति उत्पन्न करते हैं और स्कूटर को आगे बढ़ाते हैं। जब विविधता की बात आती है तो स्कूटर वही होते हैं जो वे होते हैं। डिजाइन को बहुत अधिक बदल देने पर वे परिवहन का एक बिल्कुल अलग रूप बन जाते हैं। हालांकि ई स्कूटर बैटरी से शुरू और खत्म होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अंतर परफॉर्मेंस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बैटरी, आपको ई स्कूटर के निर्माण में तीन प्रकार की निकिल मेटल हाइड्राइड, लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरी मिलेगी। आइए इन तीनों बैटरीज के बारे में एक एक करके जानते हैं। निकेल मेटल हाइड्राइड। निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी कई सालों से बाजार में मुख्य आधार और सबसे प्रसिद्ध लीड एसिड और नए लिथियम आयन बैटरी के बीच की श्रेणी में आती है।
निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी लीड एसिड बैटरी की तुलना में अधिक समय तक चार्ज रखती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी की तुलना में वजन में भारी होती है। अंततः निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में सस्ती होती है, लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के रूप में अच्छी तरह से काम करती है। लेड एसिड रिचार्जेबल बैटरी के रूप में लंबे समय से काम करने वाले लेड एसिड बैटरी ने अभी तक ऑटोमोबाइल के लिए पसंदीदा स्टार्टर और गोल्फ कार्ट के लिए शक्ति स्रोत के रूप में अपना स्थान नहीं खोया है। हालांकि अधिक उपयोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आप बड़े स्कूटरों में इनमें से बहुत सारी वजनदार और बहुत सस्ती लेड एसिड बैटरी पाएंगे। लेड एसिड बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में बहुत सस्ती होती है, लेकिन इनमें चार कमियां भी है। एक, अधिक वजन, दो, बड़ा साइज, तीन, चार्जिंग टाइम, चार, काम रेंज। लेड एसिड बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए 6 से 10 घंटे का समय लगता है और ड्राइविंग रेंज भी काम होती है। लिथियम आयन बैटरी ई स्कूटर के लिए सबसे नई बैटरी तकनीक भी सबसे महंगी है, लेकिन बहुत अच्छे कारणों से। लिथियम आयन तकनीक अधिक शक्तिशाली है, लीड एसिड या NIMH की तुलना में कहीं अधिक चार्ज रखती है और ऐसा अधिक हल्के वजन के साथ करती है। अधिक रेंज एंड स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में इन बैटरियों का इस्तेमाल हो रहा है और जैसे जैसे तकनीक और उत्पादन में सुधार होता है, वैसे वैसे कीमत में भी इजाफा होता रहता है। क्षमता, रेंज, गति, आने जाने के लिए एक संभावित वाहन के रूप में स्कूटर का आकर्षण पूरे प्रयास की सरलता है। इसकी व्यवहारिकता का दूसरा पहलू, विशेष रूप से वयस्क पेशेवरों के लिए इसकी सीमाएं हैं। स्कूटरों का निर्माण बेऑनबोर्ड बैटरी का आकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर सीट के नीचे एक बॉक्स होता है जहां बैटरी को रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि स्कूटर के समग्र प्रदर्शन की अपनी सीमाएं हैं। यह प्रभाव क्षमता सीमा और गति से अधिक कहीं नहीं महसूस किया गया है। अधिकांश इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज और गति सीधे उसकी क्षमता और उस इलाके से तय होती है जहां से वह गुजरती है। कुछ अपवादों के साथ, अधिकांश स्कूटर निर्माता टॉप सीमा और गति तक पहुंचने के लिए परिस्थितियों का एक आदर्श सेट प्रदान करते हैं, जिसे आमतौर पर एक चिकनी सपाट सतह पर 165 किलोग्राम सवारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन जब स्कूटर को चढ़ाई पर चलते हैं तो उसकी क्षमता कम हो जाती है और जल्दी चार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। स्पीड के अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर की श्रेणी बनाई गई है जो आज बाजार में बिक रही है। स्लो स्पीड इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक स्कूटर अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही चल सकता है और इस श्रेणी में RTO रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। हाई स्पीड इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक स्कूटर अधिकतम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इस श्रेणी में RTO रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्रीन कलर की रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाती है। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत स्लो स्पीड से काफी अधिक होती है और हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। स्लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर को बनाने वाली बहुत सारी कंपनी जा चुकी है, लेकिन हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर को बनाने के लिए कई सारे मानदंडों और अप्रूवल की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनियों की संख्या काफी कम है। सेफ्टी, नई रिपोर्ट से पता चला है कि इलेक्ट्रिक स्कूटरों में हर मिलियन मील की यात्रा के लिए 0.66 टकराव की घटना दर होती है, जो बाइक से 5 गुना कम होती है, जिसमें प्रति मिलियन मील की यात्रा में 3.33 टकराव होते हैं। 5.88 की घटना दर के साथ मोटरसाइकिल चालकों को दुर्घटनाओं का और भी अधिक जोखिम होता है। ई स्कूटर की तुलना में 9 गुना अधिक खराब। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते समय सुरक्षा अभी भी एक आवश्यकता है। सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हेलमेट के साथ साथ लंबी बाजू की शर्ट और पैंट पहने। आपको सड़क के नियमों का भी पालन करने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि सड़क पर मोटर वाहन की बजाय स्कूटर को साइकिल की तरह चलाया जा सकता है। हाई स्पीड स्कूटर को सड़क पर कानूनी रूप से संचालित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है और साथ ही बच्चों को उनके राज्य के नियमों के अनुसार ड्राइव करने की कानूनी उम्र होनी चाहिए। टेक्निकल सेफ्टी, अब बात करते हैं टेक्निकल सेफ्टी की। इस साल की शुरुआत में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की खबर आई थी, जिसका प्रमुख कारण के रूप में दोषपूर्ण बैटरी सेल और मॉड्यूल था। हमारे देश में अभी ली आयन बैटरी को इंपोर्ट करने पर रोक है, लेकिन स्कूटर निर्माता सेल इंपोर्ट करके अपने फैक्ट्री में असेंबल कर लेते हैं और जिसका कोई भी स्पेसिफिक सरकार से अप्रूव्ड बैटरी रेटिंग नहीं होती है। भारत वर्तमान में बैटरी पैक का परीक्षण करता है, लेकिन उन सेल का नहीं जो मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया या चीन से आयात किए जाते हैं। सरकार को ई स्कूटर की बैटरी सेल को लॉन्च करने की अनुमति देने से पहले परीक्षण करने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हो रहा है।
जिसके लिए बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता का निर्माण करना होगा, तभी सेल्स की टेस्टिंग पॉसिबल है। फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। जाहिर है कि बाजार में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ी है। भारत में सभी OEM का दावा है कि उनकी इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता को नई फैक्ट्रियों के प्रगति के साथ अल्पावधि में 1 से 2 लाख यूनिट प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें स्वच्छ इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 30% निजी कारों, 70% वाणिज्यिक वाहनों, बसों के लिए 40% और 2-3 पहिया वाहनों के लिए 80% बेचने का है। सरकार ने EV खरीदने पर विचार करने के लिए छूट दी है और नीतियां बनाई हैं। उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी को आसान बनाने के लिए GST को कम किया गया है। EV निर्माताओं को सब्सिडी और प्रोत्साहन के रूप में सरकार से प्रोत्साहन भी मिलेगा। पूर्व कोविड समय से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 132% की वृद्धि हुई है। भारत का ऑटोमोटिव उद्योग EV बूम के लिए तैयार है। चूंकि किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत में दोपहिया वाहनों का अधिक प्रभावी बाजार है, इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाली सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा है, जो भारत के अभियान को एक स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए प्रेरित कर रहा है। आज 2021 से 2027 के बीच इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट के 43.4% बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भारत का भविष्य है, क्योंकि वे उपभोक्ता के मोर्चे पर भी आर्थिक समझ रखते हैं। कम रखरखाव लागत होने से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मालिक होने की अपील और बढ़ जाती है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को डिटेल में जानेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के ऑटोमोबाइल से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स जानने के लिए ऑटोजेनिय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। We'll be right back.